तो जब हम पौधे को कुछ स्टिक लगाते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हम इसको कुछ बैम्बू की, बांस की या लकड़ी की स्टिक लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना आपने, क्योंकि लकड़ी या बैम्बू की जो स्टिक होगी, जब मिट्टी में उसको इंसर्ट कर देते हैं तो नीचे से उसको दीमक लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ग्रीन गार्डन्स। जिस तरह आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और बारिशों में पौधों की मुख्तलिफ हवाले से केयर करनी ज़रूरी हो जाती है, तो बारिशों से स्पेसिफ़िक पौधों की प्रॉब्लम्स और उनकी किस तरह से केयर करते हैं, हमने सोचा कि इसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस का हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो उसकी पहली वीडियो में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर पौधा पानी लगने के बाद जब ज़मीन नरम हो जाती है मिट्टी, तो अगर नीचे गिर जाता है, जो कि नेचुरल चीज़ है कि जब पानी ज़्यादा लगता है बारिशों में और साथ मिट्टी नरम हो जाती है, ऊपर से हवा चलती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम्स छोटी होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो थोड़ा हैवी होते हैं ऊपर से जाके टॉप से, जिस तरह ये 4 o'clock का पौधा है और आप ये देखें कि ये बिल्कुल ऐसे सीधा था, और जब ये बारिश आई है तो उसके बाद इसकी मिट्टी नरम हो गई और ये इस पौधे की जो हवा चली तो ये ऊपर से वैसे भी हैवी था, उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं और आजकल बीज बने हुए हैं, तो ये हैवी हो गया तो हवा से ये नीचे गिर गया। अभी इसका हल ये होता है इंस्टेंट कि जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ी सी ताज़ा मिट्टी लें और इस पौधे के तने के साथ इसको जिस साइड से ये झुकाव है उसका, उधर थोड़ी सी कोन बना दें, थोड़ा क्लोज आपको, और इसको थोड़ा सा इसको फर्म करके और इसको सपोर्ट दे दें। अब काफ़ी सारी सपोर्ट इसको यहाँ से मिल गई है। दूसरा काम हमने ये करना है कि इसको मिट्टी की सपोर्ट देने के साथ साथ कोई स्टिक का सहारा भी देना है। तो जब हम पौधे को कुछ स्टिक लगाते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हम इसको कुछ बैम्बू की, बांस की या लकड़ी की स्टिक लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना आपने, क्योंकि लकड़ी या बैम्बू की जो स्टिक होगी, जब मिट्टी में उसको इंसर्ट कर देते हैं तो नीचे से उसको दीमक लग जाती है, और दीमक लगने का नुकसान ये होता है कि पौधे की जड़ों को भी चली जाती है और पौधा उससे ख़राब हो जाता है, तो वो नीचे से लकड़ी गल जाती है। इस तरह की कोई प्लास्टिक की स्टिक ढूंढें, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ये जो मेरे पास है, ये वो जो बैंक्स के बाहर, मॉल्स के बाहर स्टैंडिस पड़ी होती हैं, ये उसकी प्रमोशनल स्टैंडिस होती हैं, जो जिनके ऊपर उनकी प्रमोशन होती हैं, उसकी बैक साइड पर ये स्टिक्स ऐसे लगी होती हैं। तो ये वाली अगर यूज्ड आपको कहीं से मिल जाए, किसी यार दोस्त से या बाज़ार से इवन मिल जाती होंगी, या इससे मिलता जुलता कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल, तो वो आप लें और उसको यूज़ करें। इससे ये पौधे की जड़ों को या दीमक वगैरह का इसमें कोई मसला नहीं होगा, जड़ें ख़राब नहीं होती। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको पौधे को अपनी जो असल शक्ल है वहाँ पर वापस लाएँ और उसके बाद इसको मिट्टी में इंसर्ट कर दें, और इंसर्ट करने के बाद आप इसको किसी भी मटेरियल से, रस्सी से, धागे से, ये हमारे पास ट्विस्ट टाई है तो ये हम इसके साथ इसको बांध देंगे, इसको टाई कर दें। इससे पौधा दोबारा अपनी जगह पे वापस आ गया है, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और मिट्टी डाल के इसको गमले को और फर्म कर सकते हैं, अगर मिट्टी की गुंजाइश है तो उसमें, अगर नहीं है तो इसको बस ये तरीका ठीक है। अभी जितनी मर्ज़ी हवा आए, बारिश आए, ये पौधा नहीं गिरेगा और पौधा स्टेबल हो जाता है। अगर हम ये केयर नहीं करेंगे तो पौधे हमारे गिर के टूट भी सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, और ये काम आप बारिश से पहले भी कर सकते हैं कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मेरे कुछ पौधे इस तरह के हैं जो मिट्टी नरम होने के बाद हवा चलने से गिर जाएंगे, तो आप उनको पहले ही उसकी स्टेकिंग करके, उसके साथ स्टिक्स लगा के, उसको सहारा दे के संभाल सकते हैं उसको। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, बारिशों के मौसम में अल्लाह की रहमत है, बरसात है, तो बरसात को ख़ुद भी इंजॉय करें और पौधे भी इंजॉय करेंगे, और जो इसके मुज़र असरात हैं उससे हम इंशाल्लाह के ट्रिपोर करेंगे मिलजुल के। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।